सभी भक्तों को राधे राधे। लाडली लाल की जय हो। बरसाना धाम की सभी को जय जयकार हो। श्री लाडली लाल विजय देत राम विश्वान दुलारी की जय हो। महल में आज काफी रस है, संडे का दिन है तो काफी भक्त श्री बरसाना धाम लाडली जी के दर्शन करते हैं। और आइए हम भी मिलकर करें श्री लाडली जी के निज महलों के दर्शन। सभी को राधे राधे, राधे श्याम, जय हो भैया, राधे श्याम। तो जैसा कि हम सभी भक्त मिलकर श्री लाडली जी के निज महलों के दर्शन करते हैं, आप सभी आनंद लेते हैं, शेयर करते हैं, तो आज संडे है तो आज भक्तों की भीड़ आज हमें देखने को मिलने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रातःकाल से ही श्रृंगार आरती से ही काफ़ी भक्तों की हमें भीड़ मिली और महल आज दोपहर तक तो काफ़ी फुल रहता है। तो आइए हम एक बार संपूर्ण श्री राधा रानी के महल के साथ बरसाना धाम के दर्शन करें। और अब सभी भक्तों को हमारे लाइव की शायद नोटिफिकेशन आना भी स्टार्ट हो गया होगा। ये सभी हमारे ब्रजवासियों की कुटिया हैं, यहाँ से सभी के घर दिखते हैं, यहाँ से हमारा भी घर दिखता है। सभी को अपने यहाँ से घर देखने की, अपनी कुटिया देखने की सभी को एक उत्साह सा रहता है। तो जैसा कि कल आपको एक इंस्टाग्राम पर और एक फेसबुक के पर दोनों जगह एक नोटिफिकेशन वाला एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया गया था, अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देखें। और जैसे जैसे वो स्टेप उसमें फॉलो करने के लिए कहा है वो ज़रूर फॉलो करें, फिर देखना आपके पास लाइव की सभी नोटिफिकेशन और जितनी भी हमारी पोस्ट होती है उसकी भी आपको नोटिफिकेशन आपको आया करेगी। चलिए अब महल के मैं आपको दर्शन करा देता हूँ कि महल में आज किस तरह से भक्तों की भीड़ है। आज एकादशी हमारे श्री महल में नहीं है, बरसाना धाम में भी कल एकादशी मनाई जाएगी। आज तो संडे है, संडे की वजह से भीड़ भी है, और लेकिन कुछ ब्रजवासियों ने आज भी मनाई है, लेकिन जो मोस्टली जो हमारे श्री बरसाना धाम में और कई स्थानों पर जो एकादशी है वो कल मनाई जाएगी। तो चलिए हम यहाँ दर्शन करें श्री राधा रानी के महलों के, और सभी राधे राधे बोलते रहें क्योंकि राधे देंगी तुमको, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा रानी हमें वो शक्ति प्रदान करेंगी जिससे कि हमें बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की, वो लाडली लाल की जय हो, जय हो श्यामा प्यारी की। आइए सभी भक्त श्री जी के महलों के दर्शन करते हुए हमारी निज परिक्रमा लगाएंगे, जो मानसिक रूप से हम परिक्रमा लगाते हैं उसका आप सभी भक्त आनंद लेंगे और राधे राधे अवश्य बोलेंगे। और चलिए जैसा कि काफ़ी भक्त जुड़ चुके हैं, सभी इसी तरह लाइव से बने रहें और शेयर भी करते रहें। ये तो आप सभी को पता है कि जैसा कि एकमात्र शेयर से श्री जी की कृपा किस तरह से होती है, क्योंकि हम जितना राधा नाम का प्रचार प्रसार करेंगे
श्री जी उतनी कृपा ही हमारे ऊपर करेंगे। और आज महल में हमारे एक भक्त हैं जिनके द्वारा श्री जी का अभिषेक कराया गया, आज उनकी बेटी का जन्मदिन है। राधा, तो चलिए हम बिना देर किए तुलसी माता के श्री चरण में प्रणाम करते हैं। तो सभी हाजिर लगाते हैं, सभी मेरे साथ मिलकर हाजिर लगाइएगा और राधे राधे अवश्य बोलते रहिएगा। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। तो मैं सबसे पहले उस बिटिया का जो जन्मदिन है जिसकी तरफ से आज जो अभिषेक कराया गया, उनका नाम है नितका नामदेव, बहुत छोटी है, आज वो श्री बरसाना धाम में भी आई है। तो श्री जी को वो अभिषेक हुआ, तो चलिए हम आज नितका के नाम की हाजिर लगाएं। श्री जी उन पर खूब कृपा करें, लाडली जी की कृपा उन पर बनी रहे और सभी इसी तरह अपना जन्मदिन, अपनी सालगिरह, अपनी हर खुशियां श्री जी के साथ मनाइए, श्री जी के साथ मनाइए, संतों का सानिध्य लीजिए, संतों का आशीर्वाद लीजिए और अपने दिन को पवित्र बनाइए। प्रिया गुप्ता जी, ये चीटिंग नहीं चलेगी, कमेंट तो पहले ही हो चुके हैं, ऐसे तो आपने देख लिया है। श्री जी की जो पोशाक है वो सखियों के माध्यम से शायद आपको पता चल चुकी होगी। तो चलिए हम यहाँ तुलसी माता के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा लें और आप सभी लाइव को शेयर करते रहें। जय हो मेरी तुलसी माता, सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, तुलसी माता हे सुखदाता, तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता, हम सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम सभी भक्तों को बरसाना धाम बुलाती रहना। और बहुत सारे भक्त जुड़ चुके हैं और तुलसी माता के बाद हम श्री जी की सबसे प्रिय गौ माता के श्री चरणों में अपनी हाजिर लगाएं और आप सभी गौ माता के श्री चरणों में हाजिर लगाकर राधे राधे बोलिएगा और लाइव को शेयर कीजिएगा ताकि आपके लाइव से और भी भक्त हमारे श्री जी के महलों से जुड़ सकें और उनकी जिभ्या पर भी एक बार राधा नाम आ जाए। क्योंकि जब वो श्री जी के महलों के दर्शन करेंगे, जब वो आपके लाइव शेयर से श्री जी के महलों के दर्शन करेंगे और इतनी बार राधे राधे अगर होगी ना, राधे राधे, अच्छा श्री जी की है, हमारी तो नहीं है, अच्छी बात है। हाँ चलिए, तो हमारे एक शेयर से उनकी जिभ्या पर भी राधा नाम आएगा, ये मेरा विश्वास है। और जब हम इस तरह से राधा नाम का प्रचार प्रसार करते हैं तो श्री जी हमारे साथ साथ उन पर भी कृपा करती है और लाडू जू हम सभी पर कृपा करती है। तो चलिए आज हम उस बेटी के जन्मदिन के साथ लाइव को आगे की ओर लिए चलें और वो बेटी यही है, अभी पता नहीं, शायद मानसिक परिक्रमा देने गई है वो बरसाना धाम की। तो चलिए हम यहाँ एक बार परिक्रमा लगा लें और आप सभी लाइव से बने रहिए और शेयर करते रहिए और वो सभी नित्य प्रति श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कीजिए। और आज मैं कुछ मेरे जो विचार हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ मैं अपने विचार भी रखूँगा, शायद आप सभी को पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए लाइव के माध्यम से शायद और भी भक्तों तक यह बात पहुंच सके। वैसे सोशल मीडिया के जरिए तो बहुत लोगों तक पहुंची है, लेकिन कल मैंने एक पोस्ट देखी, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूँगा। तो पहले मैं अपने लाइव को आगे की ओर लिए चलता हूँ, जैसा कि हम मानसिक रूप से जो परिक्रमा लगा रहे हैं उसका आनंद लें। अभी यह हमारी श्री जी के महलों की परिक्रमा चल रही है, यहाँ हम नित्य प्रति गौ माता की परिक्रमा लगाते हैं और लड्डू गोपाल को श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। सभी बने रहिएगा, आज काफ़ी रस है, संडे है और भक्तों को एकादशी का भी आज कुछ ऐसा लगा कि आज भी एकादशी है, तो दो एकादशी मानी गई है, लेकिन जो पूर्णतः से जो एकादशी है वो कल ही हम मानेंगे और कल ही श्री जी के महलों में एकादशी की सभी जो भक्त हैं वो परिक्रमा लगाएंगे।
वैसे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हमारे श्री जी के महल में कोई एकादशी व्रत नहीं रहता। हमारी श्री जी एकादशी के दिन भी राजभोग में चावल प्रसाद ही खाती है। श्री जी के यहाँ एकादशी का कोई फलहार नहीं लगता। ये अगर आपको नहीं पता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि श्री जी के महलों में हमारी श्री राधा रानी एकादशी का व्रत नहीं रहती है। हमारे यहाँ एकादशी के दिन भी श्री जी के महलों में राजभोग अगर जब बनता है ना, तो उस समय भी श्री जी को चावल, कढ़ी, खीर, फुलके इत्यादि चटनी सब्जी के साथ में श्री जी को भोग लगाया जाता है। तो आइए, हम यहाँ पहुँच चुके हैं लड्डू गोपाल और हमारी गौ माता के पास। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, एक मंडली भी आई हुई है। आप बने रहिएगा लाइव के साथ, बहुत आनंद आएगा। और इस जब आनंद पता कब आएगा, जब ये मंडली में भजन चलेंगे तो ब्रज गोपियाँ जो नाचेंगी ना, उनके ब्रजवासियों के, ब्रज गोपियों के जब आप ठुमका देखोगे ना, आनंद आ जाएगा। बने रहिएगा लाइव के साथ। जब आप भी कहोगे भैया आज तो सच में मज़ा आ गया, तो लाइव मिस मत कीजिएगा, बने रहिएगा। और मैं जब तक आपको लाइव की आगे की ओर लीलाओं की ओर लिए चलता हूँ, जब तक अभी यहाँ भजन चल रहा है, लेते रहिए आनंद। और तब तक मैं आपको हमारे लड्डू गोपाल और गौ माता के श्री चरणों में हाजिर लगवा देता हूँ। जैसा कि मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है, तो यहाँ हम लड्डू गोपाल के श्री चरणों में हाजिर लगा लेते हैं। तो आज हमारे लड्डू गोपाल को भी मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए कैप नहीं पहन रखी है। तो चलिए हम यहाँ हाजिर लगाएं और सभी शेयर करें, सभी शेयर करें। संडे का दिन है, सभी लोग जगकर, आपके एक शेयर से सभी लोग जगेंगे और जगते ही श्री राधा रानी के महलों में ऐसे प्यारे गोपाल जी के दर्शन मिलेंगे। और राधे राधे की गूंज जब उनके कानों में गूंजेगी ना, तो राधे राधे तो अवश्य बोलेंगे। और जो एक बार अपनी जिभ्या से राधा नाम बोलता है ना, तो बिहारी जी उन पर कृपा करते हैं। तो चलिए हम यहाँ लड्डू गोपाल के श्री चरणों में हाथ लगाए, राधे राधे बोलते रहे। और उसके बाद हम नित्य प्रति जो हाजिर लगाते हैं हमारी गौ माता के कान में बोलकर, आज एकादशी का दिन तो नहीं है लेकिन पवित्र दिन है, तो आज भी हम अपने मानसिक रूप से गौ माता से मांगेंगे, नित्य प्रति मांगेंगे, आज नहीं तो कल देगी गौ माता फल देगी। ध्यान रखिएगा, आज नहीं तो कल देगी गौ माता फल देगी, अवश्य फल देगी। नित्य प्रति मांगते रहेंगे ना, तो एक दिन गौ माता भी हमारे भावों पर ही जाएगी और हम पर भी कृपा करेगी। तो आप सभी इसी तरह शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी गौ माता की, जय हो मेरी गौ माता की। अब हम गौ माता के कान में बोलकर अपनी हाजिरी लगाएं और लाइव को शेयर करें। जय हो मेरी गौ माता, ऐसे ही हम सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सब के एक शेयर से सभी भक्तों को गौ माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि गौ माता ने सभी भक्तों की मुराद पूरी की है, सभी भक्तों की अर्जियां पूरी की हैं। जिन जिन भक्तों को उम्मीद भी नहीं थी ना, वो सब कुछ पॉसिबल किया है हमारी गौ माता ने। जैसा कि हमारे परिवार के भक्त हैं, इन्होंने भी गौ माता के कान में अपनी हाजिरी लगाई। जैसा कि आपको भी पता है, हम नित्य प्रति लगाते हैं, तो लगाते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों आता है, इतना आनंद क्यों आता है, क्योंकि हम सब दिल से लगाते हैं भक्तों की अरदास, और हम सब परिवार की अरदास के बाद कृपा होती है भक्तों पर। इसलिए हम सबसे पहले इनके श्री चरणों में हाजिरी लगाएं और यहाँ मत्था टेके। ये तो ये भी ले जाएगा कोई यहाँ से, हाँ वही तो करो, तो ले लो ना। तो चलिए हम यहाँ अपनी हाजिरी लगाए और सभी हमारे गौ माता के सभी इन चिन्हों पर मत्था टेकते रहे और राधे राधे बोलते रहे। और उसके बाद हम पहुँच चुके हैं हमारे स्वामी श्री नारायण भट्ट जी और हमारे गोस्वामी श्री नारायण दास जी की स्थली पर। और आज जैसा कि श्री जी के महल में अभिषेक हुआ है, तो दूध दही जो परिवार के द्वारा जो अभिषेक हुआ, तो आज वह अभिषेक हमारे स्वामी जी महाराज को चढ़ाया गया और अभिषेक हमें भी प्राप्त हुआ है। तो सभी मानसिक रूप से यहाँ मत्था टेकेंगे और राधे राधे बोलते रहेंगे। और मैं कुछ सेकंड के लिए
अपना कैमरा इन स्वामी जी महाराज के पुष्पों पर रखूंगा। आप मानसिक रूप से अरदास लगाइए इनसे। और यही अरदास कीजिए, जैसा कि मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा है, संकीर्तन दासी जी जिनके पिताजी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो हम सभी भक्त मिलकर अरदास करें कि हे राधा रानी उनके पिताजी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें और जल्द से जल्द वो बरसाना धाम आए। बिल्कुल डॉक्टर राजीव जी बिल्कुल सही कहा, सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार, अहो विश्वान की लाडली निक मेरी ओर निहार, हो विश्वान की लाडली, हे विश्वान की लाडली श्री राधा रानी निक मेरी ओर निहार, और बरसानो जानियो नहीं तेने रटियो न राधा नाम, और तो तेने जानो कहा मूर्ख ब्रज को तत्व महान। बरसाने की आस को आस करें शिव शेष, और जाकी महिमा को कहे यहाँ कृष्ण बांके बिहारी लाल जू, कृष्ण धरे सखी भेष। राधे राधे बोलते रहिए, संकीर्तन चालू है और आनंद आएगा। जैसा कि महल में जब भीड़ भाड़ होती है तो यहाँ व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, इसलिए थोड़ी सी वार्तालाप चल रही है, लेकिन हम तो आनंद लेंगे, हमें आनंद लेना है। जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस तीन लोक में ना है। और चलिए अब मैं दूर कर देता हूँ आप सभी भक्तों की जो हाजिरी लगी थी, वो जल्द ही दूर करने वाला हूँ कि आज हमारी किशोरी जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। राधे राधे बोलते रहिए, अभी तो आनंद आएगा, जाइएगा नहीं शेयर भी करते रहिएगा। अभी तो ब्रज गोपियों के जो ठुमके लगेंगे ना वो आपके मन को मोहित कर देंगे। और आज हमारी किशोरी जी ने आप देख पा रहे होंगे बहुत सुंदर बहुत दिव्य पोशाक पहन रखी है। जैसा कि तो जैसा कि मैं अपना पेज खोल लेता हूँ, तो चलिए हाँ, जैसा कि मैंने अपना पेज खोल लिया है, आप सभी बने रहिएगा। आज कल की जो पोशाक थी जो कि 43 भक्त के द्वारा श्री जी तक भाव पहुँचे, तो हम यही कामना करते हैं राधा रानी आप सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, और आप जितना शेयर करते हैं सच में आनंद आता है। ये हमारी पोस्ट थी, बहुत सुंदर पोस्ट थी। तो आ चुके हैं हम श्री जी की किस रंग की पोशाक पर, देखिए 1500 भक्तों ने श्री जी की पोशाक का कलर बताया। रिया कपूर जी येलो, रेड रेड रेड, पिंक रेड, पिंक रेड, मैरून रेड, ब्लू पिंक, रेड येलो, पिंक ग्रीन, रेड गुलाबी, येलो रेड ब्लू गुलाबी, ब्लू येलो पीला ग्रीन, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कितने सारे कमेंट हैं। येलो ऑरेंज, योगी मोनी जी हैं ये, इन्होंने ऑरेंज बोला। क्रीम पिंक, ब्लू केसरी, पिंक येलो गुलाबी, येलो रेड, पर्पल रेड ग्रीन, रोज, इन्होंने भी ऑरेंज रेड बोला, ग्रीन पिंक ब्लू, कुल मिलाकर देखिए कितने सारे कमेंट हैं। ग्रीन पर्पल पिंक पीला रेड, कुल मिलाकर देखिए पीला कलर फिर से मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ कृष्णा देवी ज्योति जी ने भी ऑरेंज बोला है, यहाँ पिंक येलो ग्रीन बहुत सारे कमेंट हैं। तो चलिए बहुत देखिए कितने सारे कमेंट आते हैं, आनंद आता है। तो मैं आज क्लियर कर दूँ, हमारी किशोरी जी ऑरेंज और येलो कलर की पोशाक में आज भक्तों को दर्शन दे रही है। हमारी किशोरी जी की
ऑरेंज कलर की पोशाक है और येलो कलर का गोटा है। कुल मिलाकर येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। जिन भक्तों ने ऑरेंज और येलो कलर बोला है तो साक्षात उनके भाव श्री जी तक पहुँचे हैं। और इस पोशाक के बाद हम चलते हैं उस भाव रूपी आनंद में झूमने के लिए। सभी आनंद लेते रहिए, शेयर भी करते रहिए। जोरस बरस रहे बरसाने, बोरस तीन लोक में रहा। जाइएगा नहीं, जाने वाले तो आप नहीं हो क्योंकि अभी तो हाजिर बाकी है। कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी तो सभी लोग बने रहेंगे हमारे लाइफ से। तो कुल मिलाकर देखिए ऐसा आनंद आता है श्री जी के महल में। तो चलिए अब हम लगा देते हैं भक्तों की हाजिरी, जिसके लिए तरस रहे हैं सभी भक्त। कमेंट आना भी शुरुआत हो चुकी है, कमेंटों की बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। आप जो शेयर करते हैं सच में आनंद आता है। शेयर बहुत सारे शेयर होते हैं, आपके शेयर इतने होते हैं कि उम्मीद से बढ़कर आपके शेयरों का मुझे साथ मिलता है। तो चलिए अब हम हाजिर लगा देते हैं भक्तों की। तो सबसे पहले सुखवीर सिंह जी जिनके साथ जुड़े हैं, रेखा रनौत जी और पांच और भक्त जुड़े हैं। सुनिए तो लाडली जी खूब कृपा करें इनके ऊपर। सागर जी राधे राधे, नेहा नितिन गर्ग जी राधे राधे, श्री जी खूब कृपा करें। सीमा जी राधे राधे, रानी जी राधे राधे, इनके लाइव से जुड़े हैं। संतोष शर्मा चार भक्त जुड़े हैं। सरका जी राधे राधे, धर्मवीर तोमर जी को राधे राधे, इनके लाइव से और भी सारे भक्त जुड़े हैं। श्री जी खूब कृपा करें और ऐसे ही ये सभी आनंद लेते रहें। चारू शर्मा जी राधे राधे, दौलत राम जी राधे राधे के लाइव से, पिंटू कुमार और छः और भक्त जुड़े हैं। देखिए कुल मिलाकर एक बार तो मैं पता है किसी का कमेंट पढ़ रहा था, उनके एक शेयर से 35 भक्त जुड़े हुए थे। 35 भक्तों ने उनका लाइव देख रहे थे। नीतू अरोरा जी के साथ में सांवरिया सोनी जी और भक्त जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके शेयर से सब, श्री जी की कृपा इन पर खूब बनी रहे। सुभाष चंद जी राधे राधे, खुशबू गोयल जी राधे राधे, संजय परमार जी राधे राधे, इनके लाइव से बाके परमार, स्वामिनी गुप्ता और भक्त जुड़े हैं। क्रिस भैया राधे राधे, सागर शर्मा जी राधे राधे, अमन सपरा जी राधे राधे के लाइव से, नागेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, हेमानी जी, उपेंद्र यादव जी राधे राधे, सभी को प्यार भरी राधे राधे। इसी तरह जुड़े हैं संतोष जी राधे राधे, इनके लाइव से मधु जी जुड़ी हुई हैं। दो और भक्त जुड़े हैं, जो आनंद बरस रहे बरसाने वो तीनों लोक में नहीं है। बिल्कुल सही कहा श्वेता सागर जी, बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि यहाँ मीनाक्षी विपिन जिंदल जी राधे राधे, कविता सेठी जी राधे राधे, प्रियंका जी राधे राधे, सुषमा छाबरा जी राधे राधे। आप इसी तरह बने रहिएगा लाइव के एंड तक इसी तरह, क्योंकि लीलाएं बहुत अद्भुत है। मुझे 5 मिनट और भी कुछ आपसे कुछ कहना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भक्तों की भीड़ आज काफ़ी देखने को मिलेगी, संडे है। आर पति आर जी राधे राधे, डॉक्टर राजीव जी राधे राधे, आशुतोष जी राधे राधे, सभी को बरसाना धाम से, लाडली जी के निज महल से राधे राधे। आप इसी तरह जुड़े रहिए और राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। डिंपल रानी जी के लाइव से पलक कालरा जी जुड़ी हुई हैं, रश्मि गुप्ता जी के लाइव से मधु छाबरा जी और तीन और भक्त जुड़े हैं। गौ माता आज नहीं तो कल देगी, गौ माता फल देगी। देखिए गौ माता अवश्य चमत्कार करेंगे। मीना वर्मा जी राधे राधे, आयुषी वर्मा जी राधे राधे, और अब मेरे जो कमेंट है बखरा जी राधे राधे, सभी को बरसाना धाम से राधे राधे। सागर जी राधे राधे, रितिका शर्मा जी राधे राधे, सभी इसी तरह बने रहिए और राधे राधे बोलते रहिए और कुछ पल इसी तरह हम आनंद लेते रहे और हाजिरी बोलते रहे
और अब मेरे जो कमेंट है, मुस्कान तनेजा जी राधे राधे, मोनिका जी राधे राधे, सक्षम राजपूत जी राधे राधे, इसी तरह सभी भक्त अपने हाथ जोड़ लगाने के लिए कितने तरस रहे हैं। अनु शर्मा जी राधे राधे, और सभी को इसी तरह बरसाना धाम से राधे राधे। अनुदेव चौहान जी राधे राधे, राजीव गुप्ता जी राधे राधे, निशा राजपूत जी राधे राधे, अनु शर्मा जी भी राधे राधे, प्रीति मोहित जी राधे राधे, रीता सहगल जी राधे राधे। आप इसी तरह शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, और नित्य प्रति सुबह जल्दी उठकर पाठ कीजिए, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कीजिए। सविता जी राधे राधे, श्री जी खूब कृपा करें। जो कि कुछ दिन पहले से हमारे लाइव के कमेंट आने लगे हैं उनको, तो शायद मुझे लगता है कुछ दिन पहले से ही वो हमारा लाइव देखने लगी है। राधे राधे उनको भी। भगवती जी राधे राधे, सिलाड़ी लाल की जय हो। और कुल मिलाकर अगर सभी की हाजिरी हो गई हो, दीक्षा महोर जी राधे राधे, सभी की हाजिरी अगर लग गई हो तो मुझे 5 मिनट कुछ आपसे कहना है, कुछ चर्चा करनी है आपके साथ। तो पिंकी शर्मा जी राधे राधे, आकांक्षा जी राधे राधे इनके लाइव से, रितु जुलका जी जुड़ी हुई हैं, समीक्षा जी राधे राधे, सभी को राधे राधे। इसी तरह आप ब्रजवासियों ब्रज संतों के दर्शन कीजिए, आनंद लेते रहिए। ऋचा वाजपेयी जी राधे राधे, तृप्ति जी राधे राधे, सभी इसी तरह आनंद लेते रहिए। और जोरस बरस रहे हो बरसाने, बोरस तीन लोक में नाए, जोरस बरस रहे हो बरसाने, बोरस तीन में लोक में नाए। अंजलि प्रजापति जी राधे राधे, प्रतिमा जी राधे राधे, कृति वर्मा जी राधे राधे, कविता वर्मा जी राधे राधे, प्रियंका चौहान जी राधे राधे, चारू शर्मा जी को भी राधे राधे, सुचेता शर्मा जी राधे राधे। बने रहिएगा, श्री जी अवश्य बुलाएंगी आपको। कुल मिलाकर शायद भक्तों की हाजिरी हो चुकी है, फिर भी अगर कोई रह गया है तो श्री जी उन पर पूरी तरह से खूब कृपा करें। मेरी राधारानी, मेरी राधारानी सभी पर कृपा करती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं श्री जी के महलों में निताई गौर हरि बोल, आनंद आ रहा है, हम सभी आनंद ले रहे हैं। और कई बार तो भक्त लाइव देख रहे होते हैं, कहते हैं कि ये लाइव चल कहाँ रहा है भैया, कहाँ है, तो घूमते घूमते ऐसे आते हैं। मैंने कहा चलिए सभी का आनंद है, तो चलिए मैं आपको एक कुछ पल आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि कल मैंने एक फेसबुक पर एक पोस्ट देखी थी, इंडिया मार्ट की थी, ऑनलाइन की थी, जिसमें कि दिया गया था कि श्री गिरिराज गुरु गोवर्धन की शिला 5,100 कुछ रुपए की बेची जा रही है ऑनलाइन के जरिए। तो मैं आपको एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, देखिए गिरि गोवर्धन नाथ को अगर कोई भक्त गोवर्धन से ले जाता है तो गिरिराज जी उनके जीवन में इस तरह से उथल पुथल करते हैं कि उन्हें वापस से गिरि गोवर्धन नाथ को गोवर्धन छोड़ कर आना पड़ता है। तो इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि देखिए हमारे गिरिराज जी गिरि गोवर्धन नाथ में ही, गोवर्धन में ही पूजे जाते हैं। उनकी शिला का एक कण भी अगर गोवर्धन से चला गया, जिस घर में भी चला गया, तो गिरिराज जी बहुत ही बड़ी अनहोनी करते हैं। इसका मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा यही अनुरोध है कि गिरिराज जी को गिरिराज पर्वत पर ही स्थित रहने दीजिए, घर में लाने की चेष्टा बिल्कुल ना कीजिए। और मैं एक बार आपको एक उदाहरण सा शेयर करता हूँ, किसी ने मुझे शेयर किया, मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ कि एक भक्त थे, ब्रज की रज की महिमा तो आपको पता ही है, तो उन्होंने क्या किया कि बरसाना नंदगाम गोवर्धन मथुरा वृंदावन सभी जगह से रज ली, और रज एक पॉलीथिन में, सब जगह की अलग अलग रज एक एक पॉलीथिन में भरकर वो अपने घर ले गए, दिल्ली के भक्त थे। तो जब वो बरसाना गोवर्धन सब जगह की रज ले गए और उसके बाद अपने नित्य प्रति अपने घर परिवार में व्यस्त हो गए, सोचा कि ब्रज रज आ गई है तो घर पर कृपा होगी,
लेकिन धीरे धीरे उनका जो व्यवसाय था, उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप होने लगा, पूरी तरह से जहाँ उनकी जो तरक्की होती थी बिजनेस में वो डाउन होने लगा, व्यापार में घाटा जाने लगा, परिवार में बीमार रहने लगे लोग, स्थिति अप से डाउन होने लगी। तो पूछा गया कि एकदम से ये कैसे और क्या हुआ, तो ये सारी बातें बताने लगे, सब कुछ पता चला। तो जिसके ज़रिए वो पूछा गया था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप जब बरसाना गोवर्धन वृंदावन यहाँ से जब आपने रज ली थी तो वो तो सब ठीक है, लेकिन जब आपने गोवर्धन से जो रज ली थी वो क्या आपने छान के ली थी? छान के मतलब चलनी जो होती है जिसमें एक एक बारीक कण निकल जाते हैं, वो कहते हैं हमने तो मुट्ठी में भरी और रख दी और ले आए। तो उन्होंने एक ही बात कही कि उस रज में हमारे गिरि गोवर्धन नाथ का एक कण चला गया है, गिरि गोवर्धन नाथ का एक कण चला गया होगा ना, उसी से ये सब गिरिराज जी की जो लीलाएँ रच रहे हैं, ये सब गिरिराज जी की लीला है। ऐसा कीजिए उस पूरी रज को गिरि गोवर्धन नाथ में जाइए, वहीं उस रज में मिलाकर आइए, तब जाकर उन्होंने उस रज को, पूरी रज को गिरि गोवर्धन नाथ में द्वारा से जाकर वहाँ छोड़ा गया, गिरिराज जी में मिलाई गई वो रज। उस रज में कई सारे कण थे, उस रज में कई सारे कण मतलब कि साक्षात गिरिराज जी थे उसमें, और यह सब गिरिराज जी की वजह से हुआ कि जो गिरिराज जी को एक कण भी, अगर छोटा सा कण भी ना, कहते हैं गिरि गोवर्धन के हर कण में हर जगह गिरिराज जी है, उसी तरह बरसाना की हर रज में हर खम्भे पर हर जगह राधा नाम है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है, गिरिराज जी को सिर्फ गिरि गोवर्धन नाथ में रहने दीजिए, गिरि गोवर्धन नाथ में रहने दीजिए, मानसिक रूप से उनको पूजिए। गोवर्धन हमारे गिरिराज जी गोवर्धन से बाहर नहीं जाना चाहते, और आप ये अपराध भी नहीं कीजिए। तो यही मेरा आपसे कहना था कि आप गिरिराज जी को तो परचेज बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि हमारे गिरिराज जी गौरि गोवर्धन नाथ में ही कृपा करते हैं। अगर आप सोचो कि हम गिरिराज जी को अगर घर लाए और गिरिराज जी कृपा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, गिरिराज जी बिल्कुल भी कृपा नहीं करेंगे, सब कुछ उल्टा कर देंगे। गिरिराज जी गोवर्धन पे स्थित रहेंगे तो वहीं आप पर कृपा करेंगे। तो चलिए आप इसी तरह आनंद लेते रहिए। रितिका शर्मा जी राधे राधे, आयुषी वर्मा जी राधे राधे। महल में काफ़ी भीड़ है, और आज जो श्री गिरिराज जी का जो हम गिरिराज जी नहीं राधा रानी का जो अभिषेक हुआ, उसका जो प्रसाद है वो हमें मिला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो हमारी श्री जी का अभिषेक हुआ, अभिषेक को खुलते ही ना वो महक, वो इत्र की, उस गुलाब जल की, उस दूध दही की, माखन की सी महक हमें महसूस हो रही है। तो आप भी मानसिक रूप से इस अभिषेक का आनंद लीजिए, और राधे राधे बोलते रहिए। राधे देंगी हमको शक्ति, मिलेगी हम सबको कृष्ण की भक्ति। और यह हमने भी लिया, और आज जिस बेटी का जन्मदिन है जिन्होंने ये अभिषेक कराया, वो भी इस जल को लेंगे, और हम सब मिलकर आनंद लेते रहेंगे, और राधे राधे तो बोलते रहेंगे। राधा फल देगी आज नहीं तो कल देगी, विश्वास रखना आज नहीं तो कल देगी। और देखना येलो कलर बहुत लोगों का निकलेगा, मेरा विश्वास है श्री जी कई भक्तों पर कृपा करेंगे, क्योंकि श्री जी की कृपा तो श्री जी की कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। और चलिए अब हम अपना लाइव ही ब्राह्म करेंगे, क्योंकि हमारा लाइव आपको पता ही है, जितना भी होता है आप सभी को पता है जी। राधे श्याम भैया कहाँ से आए हो? नोएडा से आए हो? अच्छा, बहुत अच्छे। देखिए बहुत लोग
लाइव देखते हैं, जो बरसाना धाम आते हैं ना, बहुत लोग, बहुत भक्त हमारा ये लाइव देखते हैं। ये पेज का लाइव नहीं है, ये परिवार का लाइव है, इसीलिए राधे राधे। ये हमारे लोकल भक्त भी राधे राधे। कहाँ से आए हो? 9 बजे से ढूंढ रहे? अरे जय हो राधे साहब। कहाँ से आए हो? नहीं वैसे कहाँ से आए हो? गुड़गांव से आए हो? अच्छा जय हो। अच्छा अच्छा चलिए आते रहिए, बड़ी अच्छी बात है, परिक्रमा लगाई आप सबने। अरे हम तो यही रहते हैं, हम कहाँ जाते हैं। जहाँ से शुरू करो वहीं खत्म करो, बरसाना की परिक्रमा तो। हाँ राधा रानी के लिए चलिए करो। इसमें क्या है? बंद हुआ? एक बार खोलना, एक बार खोल के दो। हाँ ये पता नहीं कब आती है, देखिए बहुत सुंदर बंदरवार, बहुत सुंदर बंदरवार बनी है मेरी राधा रानी की, बहुत सुंदर बंदरवार है। आज शाम दोपहर में ढंगवाता हूँ इसे। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी लग, वो तो श्री जी के चरणों में लग जाएगी, कोई बात नहीं, फोटो भी ले लेंगे। अरे भैया सेल्फी कहाँ, भैया कृपा तो श्री जी करती है, वो करती रहेंगी। देखिए बहुत सुंदर बंदरवार श्री जी के महलों में लगी हुई है, और ये आज बंदरवार श्री जी की इस चौखट पर यहीं लगेगी। मैं अभी यहाँ बोलकर जाऊँगा और जैस बंदरवार आज यहीं लगेगी, और श्री जी सब पर कृपा करती हैं और आप पर भी कृपा करती हैं। ये सभी गुड़गांव से आए हैं तो सभी राधे राधे बोल रहे हैं, और सच में सबको आनंद आ रहा है। आप सभी राधे राधे बोलिए और आनंद। चलिए मैं ये लगवा दूंगा, है मैं ये लगवा दूंगा। हाँ बोलो, हाँ बताइए। तो वो आती रहती है, उनका क्या है? हाँ तो वो आती जाती रहती है। चलिए मैं ये लाइव ख़त्म करता, अच्छा लाइव ख़त्म करता हूँ उसके बाद एक सॉल्व। हाँ अभी लाइव ख़त्म करता हूँ, उसके बाद सब फोटो लाइव 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ भक्तों से भी मिलना है, सभी की इच्छा है कि भैया एक फ़ोटो होना चाहिए। देखिए हम तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन चलो हमें इस लाइव के माध्यम से संतों के दर्शन हो, ब्रजवासियों के दर्शन हो, ये सब आनंद है, ये सब आपका प्रेम है जो हम सभी को मिलता है। आप सभी इस प्रेम में डूबते रहिए, आनंद लेते रहिए, और सभी की इच्छाएँ हैं जो पूरी होनी चाहिए। श्री जी आज नहीं तो कल देगी, राधा रानी फल देगी, अवश्य देगी, मेरा विश्वास है। जिस भाव रूपी मन से हम श्री जी को रिझाएंगे, श्री जी अवश्य कृपा करेंगे। वो लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, मेरी राधा रानी की जय हो, राधा रानी की। राधे राधे सभी को, जय जय श्री राधे सभी को। बरसाना धाम से लाडली जी के निज महल से राधे राधे। मिलते हैं सेन आरती पर। मौसम थोड़ा आप देख पा रहे हैं, जुकाम खांसी थोड़ा सा चेंज हो गया, ओले की वजह से काफ़ी ठंड हो गई, तो कोई नहीं, श्री जी सब पर कृपा करेंगे। और सभी के जहन में यही होता है कि ये जो भैया जो चल रहे हैं वही मेरी राधानी परिवार वाले हैं क्या? बिल्कुल, श्री जी सब पर कृपा करें। वो लाडली लाल की जय हो, बरसाना धाम की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, राधा रानी की जय हो, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, राधे राधे।